बताती नहीं हो तुम। बताओ निगत ने कुछ कहा है? हाँ दादी, आप बस रिश्ते वाली आंटी से कहें कि मेरा रिश्ता ढूंढे, अब मुझे शादी करनी बस। अच्छा बस 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 शुक्र। अजीब तमाशा है, रोज कोई ना कोई मुंह उठाकर आ जाता है। थक गई हूं मैं खिदमतें कर करके, तो महंगाई ऊपर से मेहमान नवाजी, हद होती। ये क्या है भाई, को इतना नालायक बच्चा है ना, इसको तो मैं फेल करूं। वो बेगम जी, अगर आप फारिग हैं तो आए आपकी किचन में हेल्प करवा दें। वो आपका जहेज का टी शर्ट भी चाहिए था। और एक और बात, आज अपना मुंह बंद रखिएगा। पहली बात यह कि मैं फारिग नहीं, दूसरा यह कि मुझे कोई शौक नहीं मेहमानों के मुंह लगने का। आपकी बहन ही गूंगी बन के बैठी रहती है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो जवाब देना था ना। फारिग बैठी हो, वो बता रही है कि आपने उसे ताकीद की थी चुप रहने की। क्या मैंने? या अल्लाह मुझे माफ कर दे, इतना झूठ, तौबा तौबा, मतलब ये इल्जाम ने मुझ पर लगा दिया। समझती क्या है अपने आप को? क्या मतलब है मेरे पर इल्जाम लगा?